वे वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं जी हाँ हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए और ग्रीन लाइन बस में बैठ के जा रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि रोड की सूरत हाल क्या है किस तरह की है क्योंकि आजकल जैसे हम न्यूज में सुन रहे थे और देख भी रहे थे कि काफी जगह गड्ढे और कुछ ज्यादा ही बड़े 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 हो गए हैं तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया ड्राइव करने से और मैंने कहा अबू से ले लीजिएगा और स्टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा तो ये कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी दूसरा हमें टेंशन नहीं रहेगी कि बारिश स्टार्ट हो गई है और हमारी गाड़ी बहती हुई कहीं पे जा रही है ना <laughs> तो मैं भी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स रहूँगी तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है क्योंकि आजकल कराची के वेदर का कुछ पता नहीं अभी धूप है और थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है ना तो कुछ इसी तरह का चल रहा है कराची का वेदर खैर बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन रोडों का और बाहर का बड़ा बुरा हाल है अच्छा हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए हैदरी और हम सबसे पहले आए थे मदीना मॉल ना और हम लोगों को कुछ अपने ड्रेसेस लेने थे अपने है। मदीना या मदनी है? Sorry, मदनी, है। मदनी मॉल मॉल है है और खैर मदनी मॉल से तो खैर सभी लोग वाकिफ होंगे क्योंकि काफी पुराना और बहुत मशहूर रहेगा है हैदरी पे ना तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर हमने ड्रेसेस वगैरह देखने स्टार्ट करे अच्छे आ, हम लोगों को लग रहा था जब हम घर से निकले थे ना पता नहीं बाजार खुला होगा कि बंद होगा लेकिन हम आए तो लग ही नहीं खुला हुआ था क्यूँकी बारिशों की वजह से ना ऐसे ही चल रहा था कि बंद है अभी और मार्केट्स वगैरह बंद थी मोस्टली ना लेकिन यहाँ पर रश तो था ही नहीं हमें लग रहा था पता नहीं शायद रश मिले क्या होगा लेकिन पूरा ही खाली था बहुत कम लोग थे और बहुत कम लोग ही आए हमारे लिए खुला था हमें जाना नहीं, नहीं नहीं और <laughs> भी लोग थे लेकिन ये कि रश बिल्कुल भी नहीं था और जाहिर सी बात है सारे दुकानदार ऐसे ही बैठे थे क्योंकि आ, जब रश नहीं होगा लोग आएंगे नहीं और तो परचेजिंग भी नहीं होगी तो मोस्टली जो लोग हैं ना वो इसी तरह से बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप कह लें रश था ही नहीं खैर हम लोग इधर अपने ड्रेसेस सर्च कर रहे थे और उसके बाद हमें तकरीबन ना दो घंटे हो गए थे यहीं पे इसी मॉल में घूमते 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 और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और था। नहीं नहीं हमने दो सूट परचेज कर लिए थे हमने दो घंटे में दो सूट परचेज कर लिए फाइनली और उसके बाद हमें लग गई थी भूख और निहाल भी बोल रहा था काफ़ी देर से कि यार प्यास लग रही है प्लस थोड़ी भूख लग रही है और चलते हैं फूड कोर्ट में बैठते हैं कुछ खा लेते हैं तो इनका ना अच्छा फर्स्ट टाइम हम इनके फूड कोर्ट में पहली बार गए थे मतलब वो नीचे की तरफ है बीस फूड कोर्ट नहीं कह सकते आप कह लें एक तरह का स्टॉल था हाँ, नीचे दो तीन स्टॉल बने हुए हैं या कॉर्नर बना हुआ है जहाँ पे कुछ ये क्या कहते हैं बेकरी आइटम्स थे और आइसक्रीम वगैरह इस टाइप की चीज़ें थी वहाँ पे कॉर्नस वगैरह मिल रहे थे तो हमने वहीं पर एक कॉर्नर था वहीं पर ही बैठ के हम लोगों ने अपने लिए सैंडविचेस ले लिए थे सॉरी रोल लिए थे शवरमा रोल लिए थे और पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लिए थे तो वो हम लोगों ने बैठे और दस मिनट बैठ के ज़रा डिस्कस किया आप क्या करें क्योंकि हमने पूरा मॉल दो से तीन मरतबा छान लिया था हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था हाँ क्योंकि जिस टाइप के हमें ड्रेस चाहिए थे उस तरह के हमें समझ में आ नहीं रहे थे या तो बहुत ही भरे भरे चीज़ें दिख रही थी या तो बहुत ही लाइट लाइट दिख रही थी तो हमें जिस तरह का चाहिए था वो मिल नहीं रहा था इसलिए हमें पूर पूरा का पूरा मॉल छानना पड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक और इस टाइम पर मैं ना जब तक ये ना हमारे ये सैंडविचेस सैंडविचेस कह रही सॉरी शवरमा रोल उन्होंने परचेस किया अपिया ने जब तक ना मैं थोड़ी सी ज्वली वगैरह देख रही थी और देख रही थी क्या क्या वैरायटी आई हुई है भाई आजकल मार्केट में वरायटी तो खैर अच्छी थी जूली के हिसाब से और खैर हमने बैठ के यहाँ पर डिस्कस किया कि हम लोग जाते हैं अब पारी मॉल और वहाँ पे जा चेक कर लेते हैं कि किस तरह के ड्रेसेस आए हुए हैं ना असल में होता ये हम लोग जब भी लेने जाते हैं ना अपने लिए ड्रेसेस वगैरह या तो अगर हमें कुछ फैंसी चाहिए तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम भरा हुआ होता है मतलब कुछ ज़्यादा ही होता है हमें नहीं और हमें नहीं पसंद आता हम लोग नहीं पहनते बहुत भरे हुए कपड़े नहीं पहनते और अगर हैं तो बहुत सिंपल हैं और हमें कुछ मीडियम टाइप का चाहिए होता है तो उसको ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगता है तो खैर पारी मॉल आने के बाद भी फिर जो भी हमें समझ में आया और हमारी तकरीबन हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट हो गई थी और लेकिन फिर भी इधर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा आराम से टाइम लगा हम हर फ्लोर पर हर दुकान आप कह लें हमने सर्च की है, <laughs> है और अपने हिसाब से दूसरा ये होता है कि आपकी रेंज के अंदर भी वो ड्रेसेस आने चाहिए एक ये भी वजह होती है कहीं पे ड्रेसेस कुछ ज़्यादा ही मतलब आउट ऑफ तो रेंज होते हैं और कहीं पे ऐसा होता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक या आपकी रेंज में कपड़े तो होते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी उस हिसाब की नहीं होती जिस हिसाब की आपको चाहिए होती है तो, तो इस वजह से लेडीज को ना अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हमारे घरवाले भी करते हैं कि यार इतने घंटे क्यों लगते हैं तो भाई इतने घंटे इसलिए लगते हैं हम अपने ही हमारा जो एक आप कह लें ना एक दायरा है उसी के अंदर फिक्स आना चाहिए वो ड्रेस तभी हम खरीदेंगे नहीं तो हम नहीं ख़रीद हाँ हैं। एक तो अगर जो हमने रेंज सेट की हुई अपने माइंड में और जो हमारी रेंज है और उसमें सूट मिल जाए तो वेल एंड गुड है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं बिल्कुल और समटाइम्स ये होता है जो हमें पसंद आ रहा है लेकिन वो डबल ट्रिपल प्राइस में होता है तो फिर ना वो फिर हम सर को जाने लगते हैं फिर हम आगे चले आते हैं हम फिर बोलते हैं चलो और ढूंढो तो हाँ। अच्छा हमें, हमें हाँ। अच्छा हुई, हुई और घर आने के बाद बस शुक्र अम्मी ने ना दाल चावल बनाए हुए थे गर्मा गर्म दाल चावल अम्मी ने सर्व किए और इतना सुकून मिला ना क्योंकि पता इतने घंटे चलने के बाद भी ऐसी सही वाली भूख लग रही होती है ना और बस ये दिल चाहता है जल्दी से खाना वाना खाओ रिलैक्स हो और सो जाओ बस और हम थक गए थे क्योंकि हम चले बहुत थे बहुत। और मतलब सोचिए पहले एक मॉल फिर दूसरा मॉल वो दूसरा मॉल भी काफी दूर रहेगा उस दूर भी चल के जाना पड़ा हमें और काफी थक गए थे खैर मजा बहुत आया बड़े अरसे बाद अ मार्केट वगैरह में घूमे फिर अच्छा जो हमने कपड़े वगैरह परचेज़ किए हैं अपने लिए वो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे वो हम जैसे जैसे पहनते रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि जब भी हम पहनते हैं हम बता देते हैं उसकी प्राइस भी बता देते हैं आपको और ये भी बता देते हैं कहाँ से लिया तो खैर अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट डे जोया बना रही थी सिवैया और अब उन्हें इसको रात में ही कहा था सिवैया खाने का दिल चाह रहा है तो जोया से बनवाते हैं क्योंकि जोया अच्छी बनाती है सिवैया जोया का हाथ सेट हुआ हुआ सवैयाओं पर ना इसलिए हम जोया से कह देते हैं सवैया हलवे वगैरह ये लोग से बनवाते हैं देखें जरा और पता है सुबह उठा देते हैं और बोलते हैं जाओ मीठा बनाओ साइड सी बात है अबू को नाश्ते में खाना होता है असल में हाँ। अबू ना नाश्ते में खाना पसंद करते हैं अच्छा सवैयाँ के लिए क्या किया सबको ही आती होंगी सवैयाँ बनाना तो सबसे पहले उसे घी में फ्राई कर लें उसके बाद फिर जैसी वो फ्राई हो जाए उसके हिसाब से क्योंकि अभी मैं क्वान्टिटी नहीं बता रही क्योंकि अभी मुझे खुद याद भी नहीं आ रही तो उसके हिसाब से पानी डाला और उसमें चीनी ऐड करी उसमें सिर्फ इलायची में डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती सम अगर मूड होता है तो केवड़ा एसेंस डाल देती हूँ लेकिन इस बार मैंने नहीं डाला था। बस ये बन रही थी सवैयाँ और साथ साथ बन रहा था नाश्ता नाश्ते में बना रही थी ऑमलेट बना रही थी तो बस ये था हमारा नाश्ता और अबू की तो फेवरेट वाली सवैयाँ बन रही थी और अबू की खास इंस्ट्रक्शन थी कि ना सवैयाँ ना जुड़ी जुड़ी नहीं होनी चाहिए मतलब फरीरी वाली होनी चाहिए तो उसी हिसाब से उन्हें खानी होती मतलब अबू को ना थोड़ी सी कड़क पसंद है आप कह लें उसमें ना एक कनी रहनी चाहिए हाँ मतलब एक बाइट आना चाहिए सेवयों में ना तो इतनी उनको जरा कड़क पसंद है इसलिए जो है आपको रेसिपी इधर बताई नहीं है क्योंकि हम लोग फिर पानी कम रखते हैं और उसको थोड़ा ना खड़ा ही रखते हैं सेवैयों को ताकि ये कि वो दम पे आए भी ना मतलब जब रेडी भी हो ना तो वो बिल्कुल नरम ना पड़ जाए क्योंकि नरम होती है ना तो वो अब को खाने में मज़ा नहीं आता अब्बू को ज़रा ना थोड़ा सा मीठा तेज़ होना चाहिए दूसरा वो ज़रा सी ना आप कह लें आप फहरीली होनी चाहिए इस तरह से ना जैसे कि मामी सेवैयाँ बनती हैं ना उस तरह की खाना पसंद ही नहीं करते उनको तो ज़रा बिल्कुल अलग अलग सी फली सेवैयाँ होनी चाहिए जिस तरह के चावल होते हैं ना एक बाइट होनी चाहिए एक बाइट होनी चाहिए और वो दिख रही हो कि वो सवैया है उसका हलवा नहीं बनना हाँ, चाहिए हाँ बिल्कुल मतलब शेप आउट ना हो जाए इतना नहीं उसको पकाना है हाँ। खैर तो जब इस तरह की बनती है तो अब्बू बहुत शौक से खाते हैं और इस, इसी तरह की बनी थी और जो आपको शाइन नजर आ रही है क्योंकि इसमें मीठा ज्यादा था इस वजह से शाइन नजर आ रही है क्योंकि अब्बू को इसी टाइप की पसंद आती है तो खैर अब्बू का जब मीठा खाने का दिल चाह रहा होता है तो अब्बू इसी तरह की फरमाइश करते हैं और अक्सर रात में बोल देते हैं भाई मुझे सुबह ना हलवे का नाश्ता करना है या मुझे सेवैयों का नाश्ता करना है या मुझे मीठे टोस्ट बना के दे देते हाँ, तो ये वाली मतलब ये वाले जो शौक है ना हमें अब्बू की वजह से ही शौक है क्योंकि अब्बू को शौक रहा है और हमारे बचपन में अबू हमारे लिए शाही टुकड़े वगैरह बनाया करते थे संडे वाले दिन जब वीकेंड होता था तब अब्बू बनाया करते थे सुबह में ना और शाही टुकड़े वैसे मैंने अब्बू से ही बनाने सीखे लेकिन मैं इतना नहीं बनाती वो बहुत मेहनत से बनाते थे वो हाँ। कभी मैं कभी मूड ना तो जरूर बताऊंगी अब्बू के अब्बू का जो तरीका है आप लोगों को जरूर बताऊंगी अच्छा जी नाश्ता करने के बाद सबसे पहले काम होता है कि सफ़ाई हो जाए जल्दी जल्दी सफ़ाई हो जाए और आजकल जैसे कि हमने कल आपके साथ शेयर किया था कि पानी की बड़ी, बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है तो जी पानी की प्रॉब्लम हुई हुई है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना पड़ता है साफ साफ सफ़ाई साइड से बात है पानी नहीं है तो क्या इंसान जीना छोड़ देगा अपने बेसिक काम तो करेगा ही करेगा तो खैर बस हम लोग इधर सफ़ाई वगैरह कर रहे थे क्योंकि दोबारा से मुझे मार्केट जाना था अच्छा मार्केट मुझे इसलिए जाना था कि मुझे अपना ट्राउज़र चेंज करवाना था दुपट्टो पी को करवाना था अपना एक ड्रेस देना था टेलर को तो ये वाले सारे काम चल रहे थे हाँ तो, तो ये वाले सारे काम चल रहे थे और ये मैं बता दूं ये तकरीबन हम निकले थे चार बजे के टाइम बजे के टाइम निकले थे और आ, वहीं पे जाना था हमें मदनी मॉल ही जाना था तो वहाँ चले गए थे जो भी हमें ट्राउजर चेंज वगैरह करवाना था मुश्किल से हमारा ना दस मिनट में वहां पे मार्केट में काम हो गया था और उसके बाद फिर ये हुआ था कि ना फिर हम हमें जाना था पॉलर जाना था थोड़ी सी अपनी सर्विस करवाने के लिए क्योंकि पता ये होता हम पता कब के गए हुए थे हम गए हुए थे रमजान में रमज़ान में गए थे और अपनी सर्विसेज करवाई थी उसके बाद हम अब जा रहे थे तो हमने कहा अब आप हमें ना पॉलर पे ड्रॉप कर देगा ताकि हम आराम से ज़रा रिलैक्स हो जाएं और पता है अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना चाहिए और करना चाहिए क्योंकि जितनी लड़कियां हैं या आ, वर्किंग वूमेन हैं तो वो जितने मतलब इतने सारे काम कर रही होती हैं तो अपने आप का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जरूरी जरूरी है और सफाई तो नफ सहमान है हाँ। लोग कहते हैं ये फैशन है फैशन नहीं अगर आप फेशियल्स वगैरह करवा रहे हैं हम लोग जैसे करवाते हैं जो हमारी सेल्फ सर्विसेज़ होती है तो क्या कहते हैं वो सारा सफाई के ही उसमें आता है ना कि फैशन वगैरह में आता हाँ। है ठीक है ना ये वाली सफाई आप घर में भी कर सकते हैं लेकिन आप घर में खुद के फेशियल करें तो वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जो आप किसी और किसी के हाथ से करवाएं खैर हाँ। हम हम काफी रिलैक्स हो जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा मेटली तौर पर या फिजिकली तौर पर थके हुए होते हैं ना हम जाके एक अच्छा सा फेशियल ले लेते हैं और बाकी में उससे ना काफ़ी थकन निकल जाती है खैर हम लोग जब वहाँ से पाउडर से अपने फारे हुए ना खैर हम वहाँ की वीडियो वगैरह कभी भी नहीं बनाते हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कभी कभी जोया को कोई मौका लग जाए कि कोई नहीं नजर आ रहा है मैनी क्यूर पेडिक्योर हो रहा है तब तो जो नहीं तो नहीं लेडीज को पता है, तो हाँ, <laughs> है रिकॉर्ड नहीं किया ये वो तो खैर हम लोगों ने नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए अच्छी बात नहीं है खैर यहाँ पर हम आए थे घर और तकरीबन आठ साढ़े आठ बजे का ही टाइम था हम जब फारिग हुए हैं पॉलर से तो अबू ने हमें पिक कर लिया था आके और वापस जब हम आए उस वक्त तक खाना रेडी नहीं था और हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था तो हम लोगों को लग रही थी भूख सही वाली तो मैंने अम्मी से कहा यार मुझे कुछ तो चाहिए तो ये पिज़्ज़ा जो है हमारे घर के बिल्कुल पास भी मिल जाता है और, और काफ़ी क्या कहते हैं यम होता है तो फिर ये हम लोगों ने मंगवा लिया था तो ये है कि ये होता है कि ये दस मिनट में आ जाता है पिज़्ज़ा ना सबसे आसान हम लोगों को लगता है ये मंगवाना और काफ़ी रीज़नेबल होता है मतलब फाइव में आपको अच्छा फ्लेवर का अच्छे क्रस्ट के साथ अच्छे चिकन के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है ना और जो एरिया में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कहाँ का पिज़्ज़ा है जो नहीं रहते तो उनके लिए माजरत मैं क्या बताऊँ आपको कहाँ का पिज़्ज़ा है ये सब क्या ना असल में क्या है सब जगहों पे ना अच्छी अच्छी शॉप्स होती हैं तो आप ख़ुद ही अपने एरिया में सर्च कर लें कहाँ का पिज़्ज़ा ज़्यादा मजेदार है तो यही था हमारा डिनर डिनर करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद बारह बज गए थे बारह बजे के बाद को विशेस आनी स्टार्ट हो गई थी सब लोग विश कर रहे थे क्योंकि आज है ट्वेंटी जुलाई सोया तो का बर्थडे का दिन है और बर्थडे का दिन है तो 12 बजे से जो विशेस आ रहे थे आज मैंने सोचा आपके साथ कोई एक विश शेयर कर देती हूँ जो कि हमारी कज़न की वाइफ ने मुझे विश किया था तो मैं आपके साथ पहले वो शेयर कर देती हूँ जंगल में मंगल तेरे ही दम से जंगल में मंगल तेरे ही दम से सपने ये शोर मचाया है सालगिरह का दिन आया है हो सालगिरह का दिन आया है तू नैन तारा तू ही सहारा नैन तारा तू ही सहारा तू ही मेरा सरमाया है सालगिरह का दिन आया है हो सालगिरह का दिन आया है हैप्पी बर्थडे रोया और जी रात में भाई आए थे कुछ एक बजे के बाद ना तो भाई लेकर आ गए थे केक और भाई ने मुझसे पूछ लिया था कि ना यार आज हम लोगों ने कुछ किया भी है कि नहीं किया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोग बाहर जा रहे होते हैं या फिर हम क्या कहते हैं प्री बर्थडे के लिए कहीं घूमने चले आते हैं थोड़ा सा ना इन्जॉयमेंट कर लेते हैं अपना आप कह लें ना हमारी तरफ से ना वो सेलिब्रेशन होती है तो मैंने कहा भाई मौसम ने तो बिल्कुल भी नहीं इजाज़त दी हमें बाहर के आपको पता है हालात कैसे हैं सब जगह पर पानी है गड्ढे वगैरह हो गए तो बाहर तो निकल ही नहीं सकते मौसम इजाजत ही नहीं दे रहा ना तो भाई ने कहा चलो मैं केक ले आता हूँ तो मैंने भाई से कहा यार केक लाओ तो छोटा सा लाना क्योंकि केक हमारे घर खा रह जाता है तो मैंने भाई को एडवाइस किया भाई एक काम करो हाफ पाउंड का केक मिलता है बहुत छोटा सा होता है क्यूट सा होता है तो तुम वो लेकर आ जाना भाई ने कहा चलो ठीक है भाई को मैंने बता दिया था कहाँ से मिलता है ना तो भाई ये दिलपस से लेकर आए थे और देखें कितना छोटा सा हाफ पाउंड का केक है मतलब अगर दो तीन लोगों की फैमिली है तो उनके लिए इनफ है ये वाला केक ना और इस पे भाई ने लिखवा दिया था तो रात में हमने जोया से ये कट करवा करवा लिया था नहीं तो नॉर्मली क्या होता है हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं निहाल के लिए भी यही होता है कि हम बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं तो उससे ये होता है कि एक आप कह लें कि एक बंदे स्पेशल फील कराने वाली बात होती है मतलब नॉर्मल इससे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डेज हो जाता है क्योंकि यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिसमें इंसान को खुश हो जाना चाहिए और इसको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए हाँ जी। अच्छा यहाँ पर मैं ये बताऊँ जोया को नॉर्मली तो खैर आज के दिन तो सारी विशेष वगैरह सा मिल ही रही हैं इसके अलावा कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने जोया का दो तीन दिन पहले से ही विश करना स्टार्ट कर दिया था इन एडवांस उनके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना याद रखा हुआ जोया को। दिल से याद हाँ की आपको उसकी डेट भी याद है जोया की ना तो हम लोग भी शॉक हो गए थे अरे अभी तो दिन आया भी नहीं है मतलब चौबीस पच्चीस तारीख से लोग विश कर रहे हैं जोया को और क्या कहते हैं एडवांस में उसको विश कर रहे थे तो खैर यहाँ पर हमने जुए से केक लेकिन मजेदार था छोड़ा है, पूरा कंप्लीट केक है और ये छह लोगों में तो खैर पता भी नहीं चला ये केक ना इतना छोटा सा केक मैंने कहा दो बाइट्स में खत्म हो गया हाँ वाकई में खत्म हो गया था और इतना ही होना चाहिए आई थिंक केक ना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा खाने में ना बहुत सारा एक तो खाया नहीं जाता और फिर वो वेस्ट हो रहा होता है तो ये वाली प्रॉब्लम बड़ी होती है हमारे घर में खैर तो मैंने भाई को एडवाइस दी थी और काफ़ी अच्छी एडवाइस थी मेरी काफ़ी अच्छी एडवाइस थी आइडियल केक था और इस तरह हुआ मेरा कुछ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि मैंने भी बड़ा एंजॉय किया और बस घर घर में ही हो गया हाँ घर घर में ही हो गया और लेकिन मज़ा आता है और इन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेना चाहिए और उसको इंपॉर्टेंस दे देना चाहिए ना कि क्योंकि वो साल में एक बार आता है और हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कर एक मेमरी आपकी बन जाती है दूसरा ये आपकी इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा मसरूफ़ीत होती है इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं तो उससे आपको थोड़ा निकलने का मौका मिल जाता है हाँ तो बस इसी के साथ कर देते हैं आज के ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज